फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट यानी साल के वो दो महीने जिसके बाद इस दुनिया का हर एक बाप मजबूर हो जाता है अपने एक साल के लौंडे को फुटबॉल ट्रेनिंग कराने के लिए। हर साल फुटबॉल में प्लेयर्स को साइन करने के लिए स्पेंड किया जाने वाला पैसा बहुत अनटिशेंट लेवल से बढ़ता है। 2015 से लेकर 2018 के बीच में फुटबॉल पे स्पेंड किया जा रहा पैसा नशे की तरह बढ़ रहा था, लेकिन आज ये पैसा उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पे एक दिन मुझे प्रॉमिस किया गया था मेरी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पहुंचेगी। प्लीज कुछ मुझे बचा लो। 2023 की समर ट्रांसफर विंडो अभी खत्म भी नहीं हुई ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड उसने वो हर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसके बारे में तुम सोच सकते हो। फुटबॉल में आज तक का सबसे हाईएस्ट स्पेंडिंग ईयर 2019-20 का सीजन था जिसके अंदर दोनों समर और विंटर ट्रांसफर विंडो मिलाकर 9.7 बिलियन के ट्रांसफर हुए थे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन 2023 की सिर्फ समर ट्रांसफर विंडो में, विंटर वाली अभी आई भी नहीं है, और सिर्फ समर ट्रांसफर विंडो में इस दुनिया की सिर्फ टॉप 6 स्पेंडिंग लीग्स ने ऑलरेडी 8 बिलियन खर्च दिए। तो दो ये ट्रांसफर विंडो अभी खत्म नहीं हुई है फॉर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन ये कहना बहुत सेफ होगा कि ये ट्रांसफर विंडो अपने आप में फुटबॉल की हिस्ट्री की सबसे क्रेजीएस्ट हैवीएस्ट स्पेंडिंग वाली ट्रांसफर विंडो थी। ये फुटबॉल हिस्ट्री की पहली ट्रांसफर विंडो भी थी जिसके अंदर 4 प्लेयर्स का ट्रांसफर 100 मिलियन की ऊपर की वैल्यू पे हुआ। एंड तुम्हें पता सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जब लास्ट टाइम फुटबॉल में सबसे हैवीएस्ट स्पेंडिंग हुई थी तब टॉप 3 स्पेंडर्स तीनों के तीनों जो कि 100 मिलियन के ऊपर ट्रांसफर हुए थे वो ला लीगा टीम्स की तरफ से हुए थे। एंड दो तुम्हें इस बार टॉप 4 ट्रांसफर्स के अंदर रियल मैड्रिड का जूड बेलिंगम का ट्रांसफर मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद फुटबॉल के टॉप 100 ट्रांसफर्स में ला लीगा का एक भी ट्रांसफर नहीं है। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जिस तरीके से शेखो ने इस बार फुटबॉल के अंदर पैसा उड़ाया वो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इस समर ट्रांसफर विंडो के टॉप 5 स्पेंडर्स में सबसे ऊपर अगर चेल्सी का नाम है तो नंबर 2 के ऊपर अल हिलाल है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फॉलोड बाय पीएसजी, देन टॉटनहम हॉटस्पर एंड देन मैन सिटी। इस समर ट्रांसफर विंडो से पहले जो टॉप 3 ट्रांसफर विंडोज किसी भी एक क्लब के लिए गई थी फुटबॉल हिस्ट्री के अंदर, उसमें नंबर 3 पर आती है चेल्सी जिन्होंने 2020-21 सीजन के अंदर 222 मिलियन यूरो स्पेंड करे थे टोटल। उसके बाद नंबर 2 पर आती है मैन सिटी जिन्होंने 2017 के अंदर 223 मिलियन यूरो स्पेंड करे थे। एंड नंबर 1 पर आती है रियल मैड्रिड जिन्होंने 2019 के अंदर 272 मिलियन स्पेंड करे थे जहां पर वो लोग ईडन हैजार्ड, लुका जोविच और मेंडी जैसे प्लेयर साइन करके लेकर आए थे। लेकिन ये तीनों के तीनों पोजीशंस एक बारी रिप्लेस कर दिए गए सिर्फ एक ट्रांसफर विंडो के अंदर। अब मुझे पता है कि ये ऑल राउंड फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग है सुनने में, लेकिन एक बारी नजर डालते हैं कि ये बड़े-बड़े क्लब्स की ट्रांसफर विंडो आखिर गई कैसी। एंड उसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा हबीबी हबीबी करने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सऊदी अरेबिया में सिर्फ 6 महीने खेलने के बाद, एक्चुअली में लेस देन 6 महीने खेलने के बाद सऊदी अरेबिया को ये चीज पता लग गई भाई कि फुटबॉल के अंदर कितनी पावर है। एंड उसका रिजल्ट ये कि आने वाली ट्रांसफर विंडो के अंदर यानी इस साल की जो समर ट्रांसफर विंडो थी उसके अंदर सऊदी अरेबिया ने ना ही सिर्फ अपने बैक किए गए क्लब से अनटिशेंट साइनिंग करी है, एट द सेम टाइम उन्होंने वेज स्ट्रक्चर के अंदर फुटबॉल की हर एक चीज हिला दी। सऊदी अरेबिया के सॉवरेन फंड मेनली 4 क्लब्स को बैक करता है जो कि अल नजर, अल हिलाल, अल इतिहाद और अल अहली। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अल नसर के साथ। जी हाँ, वही क्लब जिसने एक्चुअली में सारी वेव की शुरुआत करी विद द साइनिंग ऑफ द वन एंड द ओनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की साइनिंग के बस 6 महीने के अंदर रोनाल्डो को एक कंपेटिटिव टीम देने के लिए इस टीम ने 165 मिलियन खर्च दिए सिर्फ 2 महीने के अंदर, जहां पर उनकी सबसे बड़ी साइनिंग थी पोर्टो से ओटावियो की फॉर 60 मिलियन यूरो, फॉलोड बाय सादियो माने जिसको वो बायर्न म्यूनिख से 30 मिलियन यूरो में लेकर आए, जिस ट्रांसफर के बाद अब अफ्रीका का हर एक बच्चा फाइनली साफ पानी पी पाएगा। इसके अलावा एमेरिक लपोर्ट फ्रॉम मैन सिटी फॉर 27.5 मिलियन यूरोस, सेस्को फोफाना फॉर 25 मिलियन यूरोस, ब्रोजोविच फॉर 18 मिलियन यूरोस, एलेक्स टेलेस फॉर 4.3 मिलियन यूरोस। लेकिन स्टिल उनकी ये स्पेंडिंग्स देखने के बाद उनके सबसे बड़े कंपेटिटर को ऑब्वियसली उनको कंपीट करना था, जिन्होंने जाकर इस पूरी ट्रांसफर विंडो की सेकंड हाईएस्ट स्पेंडिंग करी, अल हिलाल, वही टीम जिन्होंने पहले लियोनेल मेसी को एंड उसके बाद किलियन एम्बापे को बिलियंस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा था। उन्होंने इस पूरी समर ट्रांसफर विंडो के अंदर टोटल 350 से भी ज्यादा मिलियन यूरो स्पेंड करे, जहां पर उन्होंने नेमार जूनियर को 90 मिलियन में साइन करा फ्रॉम पीएसजी, दे साइंड मैल्कम फॉर 60 मिलियन यूरो फ्रॉम जेनिथ, दे साइंड रूबेन नेवेस फ्रॉम वुल्व्स फॉर 55 मिलियन यूरो वंस अगेन बार्सिलोना की नाक के नीचे से, 28 साल के अलेक्जेंडर मिट्रोविच को फुलहम से 52.6 मिलियन यूरो में साइन किया गया, जिसके बाद फुलहम के ओनर्स ऑब्वियसली रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं। मिलिंकोविच सैविच फ्रॉम लाजियो फॉर 40 मिलियन यूरो, कुलेबाली फ्रॉम चेल्सी फॉर 23 मिलियन यूरो एंड बोनो फ्रॉम सेविया फॉर 21 मिलियन यूरो। आई मीन ला लीगा की टॉप 3 टीमों के बाहर जो इकलौता ढंग का गोलकीपर था उसको भी सऊदी अरेबिया जाना था।
ग्रेट। इसके बाद सऊदी अरेबिया की सबसे हैवी स्पेंडिंग करी थी अल अहली ने, जिन्होंने टोटल 194 मिलियन यूरो स्पेंड करे थे। उन्होंने 21 साल के गैब्री वीगा को, जो सेल्टा वीगो ही नहीं बल्कि ला लीगा के लिए एक मिडफील्ड सेंसेशन था, उसको 40 मिलियन यूरोस में साइन करा। एंड ये वही ट्रांसफर था जिसके बाद टोनी क्रूज ने इंटरनेट के ऊपर आकर बवाल मचा दिया। रियाद मारेस को मैन सिटी से 35 मिलियन यूरोस में साइन किया गया। रॉजर इबनेस को एएस रोमा से 30 मिलियन यूरोस में साइन किया गया। सेंट मैक्सिमिन को न्यूकासल से 27 मिलियन में साइन किया गया, फॉलोड बाय डेमिराल, मेंडी, फ्रैंक कैसिए एंड ये सारी की सारी साइनिंग्स जो कि बहुत हैवी अमाउंट के ऊपर हुई थी। सऊदी गवर्नमेंट के पैसे से बैक किया गया फोर्थ क्लब अल इतिहाद भी पीछे नहीं रहा। उनकी सबसे बड़ी साइनिंग करीम बेंजेमा तो वैसे एक फ्री ट्रांसफर साइनिंग थी, फॉलोड बाय एंगोलो कांटे जो भी एक फ्री ट्रांसफर था, बट फिर फबिनियो को लिवरपूल से साइन किया गया फॉर 46.7 मिलियन यूरोस, फॉलोड बाय जोटा फ्रॉम सेल्टिक फॉर 29.10 मिलियन यूरोस। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन गिनती के चार क्लब ने ये बड़ी साइनिंग करी है, अल शबाब, अल इत्तेफाक, ऐसे काफी सारे बड़े क्लब्स ने जॉर्डन हेंडरसन, मूसा डियाबी, वाइनाल्डम, करेस्को, ऐसे काफी सारे प्लेयर्स साइन करे जिन्होंने यूरोप छोड़ के पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। पर चलो ठीक है भाई, अब हमने इसकी बात करी लिया कि जरा सऊदी ने किस तरीके से यूरोप के ऊपर रेड मार दी, भाई अंधा पैसा फेंक के सारे प्लेयर्स ले गए, वही देखते कि यूरोप में क्या हालचाल चले इस बारी समर विंडो में। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि यूरोप के अंदर भला फुटबॉल ट्रांसफर का क्या सीन रहा, तो मैं ऑब्वियसली शुरुआत करूंगा यूरोप की दो सबसे बड़ी फार्मर लीग्स के साथ, और दोनों लीग्स के अंदर आता है बुंडेसलीगा और लीग अ। बायर्न म्यूनिख प्रॉबली गॉट दी मोस्ट परफेक्ट डील व्हेन दे साइंड हैरी केन फॉर 100 मिलियन यूरोस। उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी ये प्लेयर, एंड स्पेशली लेवेंडोस्की के जाने के बाद एंड सादियो माने के फेल होने के बाद ये साइनिंग मेड कंप्लीट सेंस। बट मेरे को स्टिल इस बात का दुख रहेगा कि हम सेन मेन केन को साथ नहीं देख पाए, साने माने काने सेन में Whatever. उन्होंने नेपोली से किनमिन जे को भी साइन करा फॉर 50 मिलियन यूरोस। वही दूसरी तरफ उनकी सिस्टर टीम ब्रुसिया डॉर्टमुंड को ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिख का वो खिलौना मिला जो उनके किसी काम का नहीं था। तो दो वैसे ब्रुसिया डॉर्टमुंड ने अपने जूड बेलिंगम से कमाया हुआ मैक्सिमम पैसा अभी तक स्पेंड नहीं करा, बट स्टिल उन लोगों ने 30 मिलियन यूरोस के अंदर वोल्फ्सबर्ग से 22 साल के फेलिक्स नेमचा को साइन करा। लेकिन बुंडेसलीगा में सबसे सरप्राइजिंग ट्रांसफर विंडो मेरे ओपिनियन में लाइप्ज़िग की गई थी, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट इक्वल स्पेंड करा दैट ऑफ बायर्न म्यूनिख। लाइप्ज़िग ने अपनी 152 मिलियन यूरोस की स्पेंडिंग के अंदर लुइस ओपेंडा को लेंस से साइन करा फॉर 48 मिलियन यूरोस। फिर वो लोग कैस्टेलो लुकेबा को लेकर आए फ्रॉम लियोन, बेंजामिन सेस्को को लेकर आए फ्रॉम साल्सबर्ग। लेकिन ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो इस समर ट्रांसफर विंडो के हाईएस्ट अर्नर्स में से एक थे। उन्होंने टोटल 240 मिलियन यूरोस के प्लेयर सेल करे इस समर ट्रांसफर विंडो के अंदर, विच इज दी हैवीएस्ट अराउंड यूरोप। वही दूसरी फार्मर लीग यानी लीगा के अंदर तो सबसे इंप्रेसिव ट्रांसफर विंडो विदाउट अ डाउट पीएसजी की गई थी, जिनके ट्रांसफर फॉर वंस आर एक्चुअली मेकिंग सेंस। उन्होंने इस ट्रांसफर विंडो के अंदर ऑलमोस्ट 350 मिलियन यूरो स्पेंड करे, जो कि ऑब्वियसली अराउंड द वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट है। डेडलाइन डे पर कोलो मुआनी को साइन करना फ्रॉम फ्रैंकफर्ट फॉर 95 मिलियन यूरोस, उगार्ते फ्रॉम स्पोर्टिंग फॉर 60 मिलियन यूरोस। एंड लेट मी जस्ट से दिस कि ये उगार्ते की साइनिंग इज आई डोंट नो व्हाई नॉट टॉक्ड अबाउट, बट ये कैसी साइनिंग है जो लेजिट उनको मिडफील्ड वाइज इतना स्ट्रेंथन करती है कि ये टीम को तुम लोग अब सीरियसली ले सकते हो। उनकी नेक्स्ट हेवीएस्ट स्पेंडिंग थी उस्मान डेम्बेले फ्रॉम बार्सिलोना फॉर 50 मिलियन यूरोस एंड अ हेल लॉट ऑफ हॉस्पिटल बिल्स। ब्रैडली बकोला फ्रॉम लियोन फॉर 45 मिलियन यूरोस, लुकास हर्नांडेज फ्रॉम बायर्न म्यूनिख फॉर 45 मिलियन यूरोस, ह्यूगो एकेटिके ट्रांसफर एक्चुअली में फाइनलाइज कर दिया गया था, एट द सेम टाइम कैंग इन ली एंड शावी सिमोन्स को भी फाइनली खरीद लिया गया था फॉर 22 एंड 4 मिलियन यूरोस रेस्पेक्टिवली। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि यहां पर दोनों लीग एंड बुंडेसलीगा के जो होल्डर्स हैं अभी के, उन दोनों ने इतना तो स्पेंड करा है कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू इंश्योर कि अगले साल भी वही जीतने वाले हैं। एंड अगर जीत भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, किसको फर्क पड़ रहा है भाई, किसको, किसी, नोबडी केयर्स। इसके बाद हम चलते हैं एक ऐसी लीग के अंदर जिसके अंदर हुए ट्रांसफर्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर्टिकुलरली सीरिया की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। एंड सीरिया के अंदर भी अगर मैं बात करूं द विनर की, वो मेरे ओपिनियन में वाज एसी मिलान। यूनिस मूसा और सैमुअल चिक्वेज़े, इन दोनों को ला लीगा से साइन करना प्रॉब्ली वाज द परफेक्ट डिसीजन फॉर एसी मिलान। क्रिश्चियन पुलिसिच को चेल्सी से साइन किया गया फॉर 20 मिलियन यूरोस, एंड सेम फॉर रूबन लॉफ्टस चीक जिसको 16 मिलियन यूरोस में साइन किया गया। दो रोमा की भी ट्रांसफर विंडो ऑन पेपर काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस उनकी ये ट्रांसफर विंडोज आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड एज ऑफ नाउ। रोमेलु लुकाकू, पेरेडेस, रेनातो सांचेस, इवन एंडीका, ये सारी साइनिंग्स को इंश्योर किया गया था कि भाई चलो ठीक है, जोसे मरीनियो प्रॉब्ली साल की शुरुआत से हमें काफी स्ट्रेंथेंड परफॉर्मेंस देगा, लेकिन वो ऑन पेपर हमें यहीं पे सिर्फ ऑन पेपर दिख रही है, ऑन फील्ड नहीं दिख रही। यूवेंटस की भी दो जो सबसे की साइनिंग्स थी, दैट वाज मूसे कीन एंड लोकाटेली को परमानेंट करना। इंटर मिलान ऑब्वियसली फाइनेंशियली एक ऐसे स्टैंड पॉइंट पर है जहां पर वो जितना कमा रहे हैं प्लेयर्स को बेच के उतना वो स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली उन लोगों ने जो 132 मिलियन यूरोस के प्लेयर्स बेचे इस समर विंडो के अंदर, वो उतने प्लेयर्स तो नहीं साइन कर पाए। बेंजामिन पावर्ड को वो लोग बायर्न म्यूनिख से 30 मिलियन यूरोस के अंदर आए, दैट वाज प्रॉब्ली देयर ओनली हैवी स्पेंडिंग इस पूरी समर ट्रांसफर विंडो के अंदर।
बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्पेंडिंग सीरिया ने काफी बड़े कॉम्पिटिशन दिया टू लीगा। दे वर थर्ड इन यूरोप इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग ओवरऑल लीग के हिसाब से। ला लीगा आते बास की जन्नानी। अरे भाई, एक टाइम था 4-5 साल पहले जब फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे हैवीएस्ट स्पेंडिंग वाली ट्रांसफर विंडो हुई थी, उसके अंदर नंबर वन स्पेंडर वर ला लीगा। एंड अब जस्ट 4-5 सालों के अंदर हम एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं जहां पे टॉप 5 लीग के अंदर लोएस्ट स्पेंडर इज ला लीगा। ला लीगा की सबसे बड़ी साइनिंग वाज जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड फॉर 103 मिलियन यूरो। बट उसके बाद रियल मैड्रिड ने भी ज्यादा बड़ी स्पेंडिंग नहीं करी। वो लोग आर्दा गुलर को 20 मिलियन यूरो में लेकर आए थे एंड फ्रान गार्सिया को 5 मिलियन यूरो में। उसके अलावा जोजेलू और केपा एरिज़ाबिला का, ये दोनों ऐसी साइनिंग है जो वो प्रोबेबली मेनली एम नहीं कर रहे थे, बट देन कोर्टो की इंजरी के बाद केपा एरिज़ाबिला का उन्हें चाहिए था तो उसको भी लोन के ऊपर लेकर आए। एंड जोजेलू ऑन द अदर हैंड वाज अ बैकअप स्ट्राइकर जो कि अगेन लोन के ऊपर आ रखा है। डिफेंडिंग चैंपियंस बार्सिलोना ने तो इस बार अपने फैंस को भी शॉक कर दिया जहां पर उनकी पूरी ट्रांसफर विंडो सिर्फ 3.5 मिलियन यूरो की स्पेंडिंग में खत्म हो गई, डिस्पाइट उन्होंने इस समर के अंदर 105 मिलियन यूरो की कंप्लीट सेलिंग करी है जहां पर उन्होंने एंटोन ग्रीजमैन, डेम्बेले, फ्रैंक क्रेसिये, निको गोंसाल्वेस ऐसे काफी बड़े बड़े प्लेयर्स ऑफ देयर टीम एक्चुअली में ऑफलोड कर दिए। लेकिन स्टिल इन टर्म्स ऑफ साइनिंग उनकी सबसे बड़ी स्पेंडिंग वाज 3.5 मिलियन फॉर ओरियल रेमेओ। उनके बाकी दो फ्री ट्रांसफर्स वर इनिगो मार्टिनेस एंड इकाई गुंडोगान। गुंडोगान की साइनिंग, आई स्टिल कांट बिलीव एज अ बार्सिलोना फैन गुंडोगान इज प्लेइंग फॉर अस। एंड एट द एंड जाओ कंसेलो और जाओ फेलिक्स जिनके लोन ट्रांसफर किए गए थे डेडलाइन डे के ऊपर। एटलेटिको मैड्रिड ने भी डिस्पाइट सेलिंग प्लेयर्स फॉर मोर देन 90 मिलियन यूरो सिर्फ 30 मिलियन यूरो खर्च करे। उन्होंने मार्टिस कुनिया, यानिक करेस्को, रेनन लॉडी ऐसे काफी बड़े बड़े नाम अपनी टीम से ऑफलोड कर दिया। इन टर्म्स ऑफ बाइंग उनकी ओनली स्पेंडिंग्स थी जो कि एंटोन ग्रिजमैन का क्लॉज उन लोगों को ऑब्वियसली ट्रिगर करना था विद बार्सिलोना। हावी गलान साइन करा उन लोगों ने फॉर जस्ट 5 मिलियन यूरो फ्रॉम सेल्टा वीगो। डूब के मर जाना चाहिए भाई, इतने सस्ते में गया हावी गलान। एंड फिर उन लोगों ने ग्रेनाडा से 19 साल के सैमू को साइन करा, विच इज अ स्ट्राइकिंग सेंसेशन। थोड़े आने वाले सालों के अंदर यू गाइस आर गोइंग टू हियर इस बंदे का नाम ला लीगा के अंदर डे इन डे आउट। दे साइन फॉर जस्ट 6 मिलियन यूरो एंड फिर उसको एक सीजन के लिए लोन पे भेज दिया गया। जिरोना, रियल बेटिस और सेविया, ये कुछ ऐसी टीम्स हैं जिनको तुम कह सकते हो दैट दे वेंट आउट एंड स्पेंट सम मनी अपनी पॉकेट के हिसाब से। एंड स्पेशली सेविया जिन्होंने डेडलाइन डे के ऊपर सर्जियो रैमोस की साइनिंग कंप्लीट करके एंड ऑब्वियसली लॉर्ड मारियानो, आई थिंक दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली वी ऑल एग्री विद दैट। तो ला लीगा के अंदर तो अगर हम बेस्ट ट्रांसफर की बात करें तो इट हैज टू बी जूड बेलिंगम विदाउट अ डाउट। जिस तरीके से उसकी शुरुआत भी हुई रियल मैड्रिड के साथ, इसके अंदर ऑब्वियसली डिस्पाइट बीइंग अ बार्सिलोना फैन अगर मैं कुछ अगेंस्ट बोलूंगा तो इट इज प्रोबेबली जीरो बॉर नॉलेज। लेकिन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ बजट के साथ मेंटेन करने के लिए, बार्सिलोना की ट्रांसफर विंडो प्रोबेबली इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं जा सकती थी। उनके लास्ट डे के ऊपर जो दोनों लोन मूव्स हुए हैं दैट प्रोबेबली इन इटसेल्फ सेज अ लॉट कि क्लब इस कंडीशन के अंदर भी किस लेवल के प्लेयर्स पुल कर सकता है। बट देन वी कम टू द बिग डॉग्स, प्रीमियर लीग। ओ माय गॉड, प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं, चेल्सी के बारे में बोल सकता हूँ कुछ। प्रीमियर लीग इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग ऑलमोस्ट स्पेंट 3 बिलियन यूरो सिर्फ एक समर ट्रांसफर विंडो के अंदर, विच इज प्रोबेबली देयर हाईएस्ट दे हैव एवर स्पेंट एक ट्रांसफर विंडो के अंदर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी हर एक टीम ने इतना सब कुछ स्पेंड करा है कि मैं उसके ऊपर डिटेल 15-15 मिनट बात कर सकता हूँ, जिसके बाद ये वीडियो प्रोबेबली 1.5 घंटे लंबी होगी। शुरुआत करते हैं आर्सेनल के साथ, जिनकी ट्रांसफर विंडो की शुरुआत बहुत मीठी हुई थी जब उन लोगों ने डेक्लेन राइस की साइनिंग करी थी फॉर 116 मिलियन यूरो। दे ऑल्सो साइड यूलियन टिम्बर फॉर 40 मिलियन यूरो फ्रॉम आयक्स, बट उसके बाद उनकी मत मारी गई थी एंड दे स्पेंट 75 मिलियन यूरो फॉर काई हैवर्ट्स, जो कि अभी तक मत मारी हुई है। भाई सीजन के एंड तक हो सकता है कि मत ना मारी गई, हो सकता है, इट इज वर्थ इट, हो सकता है सीजन के एंड तक, अभी तक तो नहीं। एस्टन विला की ट्रांसफर विंडो ऑन द अदर हैंड इज प्रोबेबली द मोस्ट अंडररेटेड ट्रांसफर विंडोज पूरी प्रीमियर लीग के अंदर। दे साइंड मूसा डियाबी फ्रॉम बायर्न लेवरकुसेन फॉर 55 मिलियन यूरो, व्हिच इज द बेस्ट राइट विंगर इन द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी, ही इज द बेस्ट राइट विंगर। आई मीन नॉट रियली बट लाइक हाइप करने के लिए। पाओ टोरेस को विलारियल से साइन किया गया फॉर 33 मिलियन यूरो। यूरी टिलेमेंस को लेस्टर सिटी से लेकर आए वो लोग एज अ फ्री ट्रांसफर। एट द सेम टाइम क्लेमेंट लॉन्गले की भी साइनिंग करी गई बार्सिलोना से फॉर अ लोन ट्रांसफर। किसी और बड़ी टीम की बात करने से पहले एक फन फैक्ट कि करेंटली 4 मैच डे हुए वैसे प्रीमियर लीग के, लेकिन स्टिल 16th बैटी हुई बोर्नमथ ने 120 मिलियन से ज्यादा का खर्चा करा इस बारी ट्रांसफर विंडो के अंदर। शर्म आनी चाहिए ला लीगा को भाई। एंड नॉट इवन दैट, लीग में लास्ट बैटी हुई बर्नली जिन्होंने अभी तक एक मैच नहीं जीता प्रीमियर लीग में, उन्होंने 110 मिलियन से ज्यादा खर्चा करा है इस बारी ट्रांसफर विंडो के अंदर। एंड दे जस्ट सोल्ड प्लेयर्स फॉर 3 मिलियन यूरोस।
तो टेक्निकली दे स्टिल लाइक 100 मिलियन से ज़्यादा उन लोगों ने नेट एक्सपेंडिचर करा है इस बारी प्रीमियर लीग में आने के बाद। तो भाई इट इज़ माइंड ब्लोइंग द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट इन प्रीमियर लीग। चेल्सी अब ऑब्वियसली वॉज द हैवीएस्ट स्पेंडर अराउंड द वर्ल्ड अभी तक अगर हम बात करें। काइसेडो उनका सबसे महंगा प्लेयर था जिसे उन्होंने 116 मिलियन यूरोज में साइन करा। रोमियो लाविया को वो लोग लेकर आए फॉर 62 मिलियन यूरोज, विच रियली आई फील लाइक इनमें से एक साइनिंग अवॉइड की जा सकती थी। क्रिस्टोफर एनकुंकू फॉर 60 मिलियन यूरोज वॉज देयर नेक्स्ट बिगेस्ट साइनिंग। कोल पामर को वो लोग लेकर आए फॉर 47 मिलियन यूरोज। एक्सेल डिसासी को उन लोगों ने मोनाको से साइन करा फॉर 45 मिलियन यूरोज। निकोलस जैक्सन को वो लोग विलरियल से लेकर आए फॉर 37 मिलियन यूरोज। इसके बाद उन्होंने 15 से 20 मिलियन के बीच में और चार पांच साइनिंग्स करी विच ऑब्वियसली मेड देयर टोटल गो अप टू 400 प्लस मिलियन यूरोज, विच इज माइंड ब्लोइंग। लेकिन द फैक्ट इज कि दे वर आल्सो द हेवीएस्ट प्लेयर सेलर्स इस वाली ट्रांसफर विंडो के अंदर, जहां एक जगह उन्होंने 464 मिलियन यूरोज के अंदर 24 प्लेयर्स को साइन करा, वही 267 मिलियन यूरोज के अंदर उन्होंने 25 प्लेयर्स को या तो लोन पे भेजा या फिर बेच दिया। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम नेट स्पेंड देखें तो दे आर नॉट द हाईएस्ट वन, वो लोग अल हिलाल और पीएसजी के बाद आते हैं। लिवरपूल हैड अ ग्रेट ट्रांसफर विंडो मेरे ओपिनियन में। आई नो इट वाजंट एज परफेक्ट एज एक्सपेक्टेड, बट स्टिल द साइनिंग्स दे मेड आर सो इफेक्टिव। डोमिनिक सोबोस्लाई को लाइपजिग से साइन किया गया फॉर 70 मिलियन यूरोज, व्हिच इज अ वेरी प्रीमियम साइनिंग इन माय ओपिनियन, एंड स्पेशली उनकी सेकंड मिडफील्ड साइनिंग। मैकलिस्टर फ्रॉम ब्राइटन फॉर 42 मिलियन यूरोज। दे आल्सो साइन ग्रेवेनबर्च फ्रॉम बायर्न म्यूनिख फॉर 40 मिलियन यूरोज एंड एंडो फ्रॉम स्टुटगार्ट फॉर 20 मिलियन यूरोज। मैनचेस्टर सिटी वंस अगेन प्रूव्ड कि दे आर द किंग्स ऑफ ट्रांसफर विंडो, द मोस्ट परफेक्ट ट्रांसफर विंडो इन प्रीमियर लीग। इट डजंट मैटर कि मतलब नंबर ऑफ प्लेयर्स मैटर नहीं करते, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स एंड तुम्हारी टीम में किस चीज की जरूरत है वो मैटर करता है। कोल पामर, रियाद मारेस, एमरेट लबोर्थ, बेंजामिन मेंडी, इकाई गुंडोगान, ये सारे प्लेयर्स को फाइनली लेट गो करने के बाद दे हैड प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट विंडोज जो कितने टाइम में उनकी रही है। उनकी हेवीएस्ट स्पेंडिंग थी जोस्को गार्डियोल फ्रॉम लाइपजिग फॉर 90 मिलियन यूरोज, व्हिच इज कंप्लीटली वर्थ इट फॉर द 21 ईयर ओल्ड डिफेंडर। लाइक ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट अपकमिंग डिफेंडर आने वाले टाइम के अंदर। मैथायस न्यूनेस को वोल्स से साइन किया गया फॉर 62 मिलियन यूरोज। जेरेमी डोकू को रेनेस से साइन किया गया फॉर 60 मिलियन यूरोज। एंड देन वो लोग कोवाचिच को चेल्सी से 29 मिलियन यूरोज के अंदर लेकर आए। मैनचेस्टर की दूसरी साइड भी ज्यादा पीछे नहीं रही भाई इन टर्म्स ऑफ प्लेयर साइनिंग, एंड दे वेंट ऑन टू साइन सम वेरी डिसेंट प्लेयर्स। उनकी सबसे बड़ी साइनिंग वॉज रैसमस होइलैंड, जिसको उन्होंने एटलांटा से 75 मिलियन यूरोज में साइन किया था विद द होप कि उनका वो जो नंबर 9 पोजीशन है जिसकी वजह से उन लोगों की पूरी टीम फॉर्मेशन डिस्टर्ब होती है वो फाइनली एड्रेस हो जाएगी। मेसन माउंट वॉज साइन फ्रॉम चेल्सी फॉर 64.2 मिलियन यूरोज, विच हैजंट रियली बीन यू नो दैट कन्विंसिंग ऑफ अ साइनिंग अभी तक, बट ऑब्वियसली इट इज अ वेरी सीजन लॉन्ग साइनिंग तो हमें आगे जाके पता लगेगा। आंद्रे ओनानो को इंटर मिलान से साइन किया गया फॉर 52 मिलियन यूरोज, विच इन माई ओपिनियन वॉज द मोस्ट नीडेड साइनिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लाइक अगर हम इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो ये प्रीमियर लीग की सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग है। अमराबाद को फ्लोरेंटिनो से लोन के ऊपर लेकर आया गया, एंड एट द सेम टाइम जॉनी एवंस को लेस्टर सिटी से फ्री ट्रांसफर के रूप में लाया गया, एंड सेम फॉर सर्जी रेगुलॉन। ऑन द अदर हैंड टॉटनहैम हॉटस्पर की अगर हम बात करें, उनकी सबसे बड़ी साइनिंग वॉज ब्रेनन जॉनसन फ्रॉम नॉटिंगहम फॉरेस्ट फॉर 55 मिलियन यूरोज, फॉलोड बाई जेम्स मेडिसन फ्रॉम लेस्टर सिटी फॉर 46 मिलियन यूरोज, विच इन माई ओपिनियन इज अ बार्गेन, नोटिसिंग कि वो एक्चुअल में कितनी इन्फ्लुएंशियल साइनिंग है उनके लिए। माइकी वैन डे वेन फ्रॉम वोल्फ्सबर्ग फॉर 40 मिलियन यूरोज, पेड्रो पोरो फ्रॉम स्पोर्टिंग फॉर 40 मिलियन यूरोज, कुलुजेस्की फ्रॉम जुवेंटस फॉर 30 मिलियन यूरोज, ये उनकी सबसे हेवी स्पेंडिंग थी। इवन न्यूकासल दो उनकी लीग की शुरुआत काफी बढ़िया नहीं हुई है, लेकिन स्टिल उन लोगों ने जिस तरीके से रीइंफोर्समेंट करी थी ना ट्रांसफर विंडो के अंदर, दे सीम लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट, एंड लॉन्ग टर्म सिनेरियो के अंदर यू कुड स्टिल बैक ऑन देम। सैंड्रो टोनेली को वो लोग एसी मिलान से 64 मिलियन यूरोज में लेकर आए, द सेम टाइम हार्वी बांस को लेस्टर सिटी से 44 मिलियन यूरोज में साइन किया गया। और वंस अगेन जैसा कि मैंने तुम्हें बोला, द टीम्स दैट आर स्ट्रगलिंग टू स्टे इन द लीग रेलिगेशन जोन वाली टीमों ने भी 70 मिलियन जितना पैसा खर्च करा है इस बारी ट्रांसफर विंडो के अंदर, एंड ऑब्वियसली इट्स एक अपवर्ड अप टू डाउनवर्ड फ्लोइंग वाला सिस्टम, जहां पे जितना पैसा ऊपर वाली टीमें खर्च करेंगी, यानी चेल्सी ने जितना पैसा खर्च करा है, अल हिलाल ने, पीएसजी ने, ये जो यूरोप के टॉप क्लब्स जितना पैसा खर्च करेंगे, बॉटम वाले क्लब्स के खर्च करने की कैपेसिटी भी उतनी बढ़ेगी। एंड दिस इज वाई तुम ला लीगा जैसी लीग को देख के बोल सकते हो, क्योंकि उनके टॉप लीडर्स ने इतना पैसा खर्च नहीं करा, तो बॉटम वाले भी ऑब्वियसली उस कैपेसिटी से पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे। एक सेकेंड हाँ, कपड़े चेंज है क्योंकि मैं एक ट्रांसफर रिकॉर्ड करना भूल गया था, दो ट्रांसफर।
लियोनेल मेसी ट्विटर में ला दे, मैं कैसे भूल सकता हूँ। इस समर ट्रांसफर विंडो के अंदर एक जो सबसे यूनिक ट्रांसफर हुआ दैट वाज लियोनेल मेसी टू इंटर मियामी। अब वो यूनिक क्यों था इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन इस स्टोरी, इस जो एंटायर ट्रांसफर की बैक स्टोरी थी दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। वो पीएसजी रुकेगा या फिर वो बार्सिलोना रिटर्न करेगा, और इस सब टसल के बीच में एट द एंड इंटर मियामी ने जीत मारी थी एंड इट वॉज एन एब्सोल्यूट शो फॉर टू डेज। बट एट द एंड जहां एक जगह सोर्सेज का कहना था कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना रिटर्न करने के इतनी पास आ चुका था, वही उन्हीं सोर्सेज का थोड़े दिनों बाद ये कहना था कि लियोनेल मेसी कभी बार्सिलोना आने नहीं वाला था। एट द एंड लियोनेल मेसी एंडेड अप जॉइनिंग इंटर मियामी फॉलोड बाय सर्जियो बुस्केट्स जो बार्सिलोना छोड़ चुका था एंड जॉर्डी अल्बा वंस अगेन बार्सिलोना छोड़ के मेसी एंड फ्रेंड्स फॉर्मिंग अलायंस एट इंटर मियामी। अब ये डील अपने आप में यूनिक इसलिए थी क्योंकि पहली बारी एक ब्रॉडकास्टर यानी एप्पल टीवी एंड एट द सेम टाइम एक जर्सी स्पॉन्सर यानी एडिडास ने साथ में मिलकर लियोनेल मेसी को कमीशन ऑफर करी थी। तो कुल मिला के ये डील सऊदी वाली डील से भी ज्यादा लुक्रेटिव हो सकती है इन लॉन्ग टर्म। बट एट द सेम टाइम लेट्स कीप इन माइंड कि दिस वाज द मोस्ट एंटीसिपेटेड ट्रांसफर फुटबॉल के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज लियोनेल मेसी एंड राइट नाउ हम सब देख रहे हैं लियोनेल मेसी को बॉल करते हुए इन MLS मेसी लीग फॉर स्टैट पैडिंग। हुर्रे! तो भाई विदाउट अ डाउट ये वाला ट्रांसफर विंडो अपने आप में बहुत ज्यादा हिस्टोरिक ट्रांसफर विंडो था एंड आने वाले टाइम में इट इज गोइंग टू रीशेप द वे मनी स्पेंट इन यूरोप। अगर तुम अपने टॉप 5 ट्रांसफर मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताओगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मेरे कौन से होंगे भाई? मेरे टॉप 5 ट्रांसफर आई थिंक द हैवीएस्ट स्पेंडिंग्स थी जूड बेलिंगम, इट मेड सेंस, कोलो मुआनी इट मेड सेंस, हैरी केन इट मेड सेंस, ये तीनों साइनिंग्स इट मेड सेंस। इसके अलावा डेक्लन राइस की साइनिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग मेरे ओपिनियन में, दैट वुड श्योरली बी अप देयर। और कौन सी साइनिंग कैन आई पुट, जोस्को ग्वार्डियोल मेरे ओपिनियन में इज द परफेक्ट साइनिंग फॉर मैन सिटी। उसकी जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है ना, द वे टू लिंक अप विद द डायरेक्ट स्ट्राइकर, आई थिंक वो उन्हें लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बेनिफिट करेगी एंड मेरे सबसे इंपॉर्टेंट गेम्स के अंदर भी। तो ये 5 साइनिंग्स होगी जो मेरे को काफी इंट्रीग करी, मेरे सबसे द बेस्ट साइनिंग्स इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। बट तुम मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर तुमने वीडियो अभी तक यहां तक देखी है। शायद से वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन गई होगी बट आई होप तुम बोर ना हुए हो। अगर तुम्हें पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे।